ओके तो लेट्स गो, अभी मैं रेडी हूँ कार्निवल के अंदर जाने के लिए। और इसका जो जोकर वाला फेस है, कसम से मुझे एकदम हॉरर वाली वाइब दे रहा है। ओके तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, ऐसा लग रहा है 10 चुड़ैल एक साथ में हंस रही हैं और ये ट्रेन बिल्कुल भी हमारे काम आने वाली नहीं है। हमें अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सामने की तरफ लावा ही लावा है, और मुझे काफी ध्यान से यहाँ पर जंप लगाना पड़ेगा। अगर मैंने एक भी जंप गलत लगाई ना तो सीधा लावा में जाकर गिर जाऊंगा। ओके तो ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस से काम देना है। ओके ऑलराइट, तो इसे तो हमने काफी ज्यादा आसानी से पार कर लिया है। जल्दी से चलते आगे की तरफ और शायद मुझे अभी यहाँ से जंप लगाना है। मैं यहाँ से कूदूंगा तो मरूंगा तो नहीं ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर है। अब मुझे इन पाइप की मदद से आगे की तरफ जाना है। ऊपर मुझे काफी ज्यादा हॉरर साउंड आ रही है। ये पेनीवाइज का फेस है और इसके दांत कितने गंदे, सारे दांत पीले, ब्रश तो कर लेता नशेड़ी करके। हमें इन बलून्स के ऊपर जंप लगाना है और मुझे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी गलती हुई ना तो मैं सीधा पेनीवाइज के मुंह में जाकर गिरने वाला था, बट अभी मैंने कैसे भी करके पार कर लिया है। और अब मैं नहीं चाहता कि मैं पेनीवाइज के मुंह में जाकर गिरूं, क्योंकि इसका मुंह सच में काफी ज्यादा गंदा है, उसने ब्रश भी नहीं किया। अभी हमें यहाँ पर आग से खेलना पड़ेगा और मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें फूंक देगी। ओके अभी मैंने एक तो एस्केप कर लिया, बच गया हूं मैं। वेट, मेरे बाल नहीं जल रहे क्या? मैं एकदम क्लोज, आग के एकदम क्लोज में जाकर खड़ा था बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। ये तो इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने सोचा था, काफी ज्यादा इजीली हमने पार कर लिया। अभी मुझे इन पाइप्स के ऊपर जंप लगानी। ओके मुझे तो लगा था मैं नीचे जाकर गिरूंगा। और वेट, यहाँ पर नीचे की तरफ बस फॉग ही फॉग है। अगर मैं यहाँ से गिरा तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। और ये भाई साहब हमसे आगे कैसे जा रहे हो भाई? ओके भागो जल्दी जल्दी, यार ये तो खुद भी नहीं जा रहा और मुझे भी नहीं जाने दे रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे धक्का देके नीचे गिरा सकता हूँ। एक टाइम को मुझे ऐसा लगा कि इसके कंधे पे उल्लू बैठा हुआ था, बट ये ब्लैक कलर की कैट है। और ये रहे पेनीवाइज के हैंड, मुझे इनसे बचना होगा कैसे भी करके। अगर इसने हमें पकड़ा ना तो हमारी बैंड बच सकती है। ओके तो लास्ट वन, और ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये क्या है? मुझे एक एक करके इन सारी पाइप्स के ऊपर से जंप लगाना पड़ेगा, अगर नीचे गिरे तो सीधा फॉग में खो जाएंगे हम लोग। ओके तो आई एम सो प्रो, मैंने काफी ज्यादा इजीली पार कर लिया यार, बट अभी काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाले क्योंकि ये वाला स्टेप मुझे बिल्कुल भी इजी नहीं लग रहा। तो चलो चलते हैं। ओके तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करके जंप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नीचे जाकर गिरूंगा। और वो नीचे गिर गया पीले बाल वाला। ओके इजी 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 हो रहा है, हो रहा है, पहली बार में ही हो रहा है। आई होप मैं पहली बार में इसे पार कर लूं। नहीं ओके ओके मैं नीचे जाकर नहीं गिरा हूं। ओके तो मैं थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया था जिसकी वजह से नहीं, अभी मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ। और लास्ट टाइम में मैं जोश जोश में नीचे गिर गया था, बट अभी मैंने ऑलमोस्ट पार कर लिया। अभी हमें सामने की तरफ जाना है। ओके तो मैं बच गया, मुझे ऐसा लगा था मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा, बट ये बंदा हमारे साथ साथ चल रहा है। चलो हमें एक पार्टनर मिल चुका है गेम में और अभी हम इसको फॉलो करने वाले हैं। ओके ओ मैं फिर से बचा हूं। क्या कर रहा है ये मुझे सच में डरा रहा है। और जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ ना, ये वैसे मेरे पीछे आ जा रहा है। अभी ये भाई हमारी परछाई बन चुके हैं और जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारे आगे चल रहे हैं। ओ थमजा गोल्डन बाल वाले, व्हाट? ये छपरी नल्ले बेरोजगार पीले बाल रखते कोठी बंगलों वालों को इम्प्रेस कर लेंगे। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, जब ब्लेड अंदर जाएगा तब हमें जंप करने। मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचाऊ, नहीं तो ये ब्लेड हमारी बैंड बजा देने वाला था। और यहाँ पर लैडर से जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अभी ऊपर चल के देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और ये सितारों भरी रात हमें दिखाई दे रही। वेट, हम लोगों ने एस्केप कर लिया क्या? नहीं नहीं अभी हम लोगों ने एस्केप कहाँ किया है। अभी यहाँ से हमें सामने की तरफ जाना है और यहाँ पे पेनीवाइज आ चुका है और इसके हाथ में एक नाइफ है। भागो जल्दी से, हमें इसके ऊपर चढ़ना है। जंप, ओके तो मैंने मिस कर दिया, बट अभी ओ मैं उसके ऊपर चढ़ गया था तब भी उसने हमें पकड़ लिया। अभी यार लास्ट टाइम मैं ऊपर चढ़ गया था बट फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया, ये वापस से आ गया। और इस बार कैसे भी करके मुझे इसके चंगुल में नहीं आना है। जंप जंप जंप, ओ बस चढ़ गया। ओके तो अभी हम लोगों ने हाई जंप लगा दिए और पेनीवाइज का ये नीचे घूम रहा होगा, ये हमारे पीछे पीछे आ रहा, बट ये अभी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हमें शायद ऊपर जाना है जहाँ पे थोड़े बहुत प्लैंक्स लगे हैं। ओके तो शायद अभी हम लोगों को इन प्लैंक्स के ऊपर जंप करना है केयरफुली। अभी हम लोग प्लैंक्स के ऊपर तो आ चुके हैं,
और ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, ये टेढ़े मेढ़े प्लैंक्स लगाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे प्लैंक्स लगा देते, बट फिर मजा भी तो नहीं आता, तो चलो जल्दी से इसे भी पार करते हैं। ओके आई कैन डू दिस, हो गया, ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट, देखो तुम्हारा भाई ना प्रो हो चुका है खतरनाक, और यहाँ पे वापस से बलून आ चुके हैं जिन्हें मैं काफी ज्यादा इजिली से स्केप कर लूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने स्केप कर लिया था। यहाँ पे कुछ लैडर्स है यार, देखो तुम्हारा भाई ना खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, और शायद अभी हमें इसके अंदर आकर बैठना था, और ये अभी हमें फुल स्पीड में नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और अभी हमारे साथ क्या होने वाला है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये ऊपर जा रहा है वापस से, हम लोग वापस से नीचे आ गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इसको नीचे ही आना था तो ये ऊपर क्यों गया था भाई, बात तो सही है। और अभी हमें यहाँ पर एकदम सही टाइम पर जंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब हमारे आर पार हो जाएंगे। ओके अभी मैंने एक पार कर लिया, बट एक और है। ओके ये भी काफी ज्यादा इजी था, बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, अगर यहाँ पर हम लोग फंसे तो ये हमें बी से ही काट देगा। ओके वेट करते हैं इसके नीचे आने का, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पर जंप लगाएंगे, और ये क्या है। ओके ओके और यहाँ पर भी मुझे सही टाइम पे जंप लगाना पड़े। हाँ भाई कैसी लगी? ओ गर्दन तोड़ दी इसने मेरी। ओके ओके आई कैन डू दिस, ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस बार मैं इजिली पार कर लूंगा। बट ये क्या था, अभी मैं जस्ट बचाऊ नहीं तो मेरी बैंड बजने वाली थी। ओके तो हम लोगों ने काफी ज्यादा इजिली पार कर लिया, जल्दी से चलते सामने की तरफ, और यहाँ पर मुझे एक पोर्टल नजर आ रहा है जिसके। ओके तो इस पोर्टल के बाहर एक स्कल है जो कि मुझे बिल्कुल भी चमगादड़ का नहीं लग रहा, और इसके विंग्स देख के मुझे एकदम वैट वाली फीलिंग आ रही है, जल्दी से चलते इस पोर्टल के अंदर। और ये हम लोग कहाँ पर आ चुके, पताल लोक में आ चुके, और यहाँ पर काफी सारी खोपड़ियां पड़ी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ओके तो ये वोल्केनो कितना ज्यादा क्रेजी लग रहा है, अभी मुझे यहाँ पर एक एक कर जंप करना पड़ेगा काफी ज्यादा केयरफुली। ओके ओके आई कैन डू दिस, और इसे मैं एक बार में पार करने वाला हूँ। ओके बहुत ध्यान से। ओके हम लोगों ने काफी ज्यादा इजीली इस ब्रिज को पार कर लिया, बट अभी हमें सामने की तरफ जाना है, और अभी तो हम लोगों को आग से खेलने की आदत हो चुकी है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम लोग इसे भी काफी ज्यादा इजीली स्केप कर लेंगे। ओके तो मुझे जोश जोश में होश नहीं गंवाना है, काफी ज्यादा पेशेंस से खेलना पड़ेगा, और इस गेम में जिसके पास ज्यादा पेशेंस होगा वो इस गेम को काफी ज्यादा इजीली स्केप कर लेगा। ओके आई कैन डू इट। ओके सामने की तरफ और भी पाइप्स हैं, और मुझे काफी ज्यादा ध्यान से जंप लगाना पड़ेगा, और अभी मुझे वापस एक और पोर्टल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, बट ये मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है। ओके तो यहाँ पे हम काफी ज्यादा फास्ट भाग सकते हैं, और मैं काफी लंबी लंबी जंप्स भी मार सकता हूँ, कसम से ये वाला पोर्टल तो काफी ज्यादा बढ़िया था, और हम लोग काफी ज्यादा इजिली से स्केप कर रहे हैं। ओके आराम से, मैं यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहता हूँ, और ये हमने काफी ज्यादा इजिली स्केप कर लिया, और सामने की तरफ एक और पोर्टल है, और चेक आउट दिस गाइस, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अभी जल्दी से चलते हैं इस पोर्टल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से सुपर पावर्स मिलेगी। वेट शायद हम लोग यहाँ से ऊंची जंप लगा सकते हैं, और मुझे एक एक करके इनके ऊपर जंप करना है। ओके तो ये तो अभी काफी ज्यादा ऊपर है, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, और अभी मुझे यहाँ से जंप लगानी पड़ेगी सामने की तरफ। मैं ऊपर आ चुका हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अगर मैं इस पोर्टल के अंदर एंटर करूंगा तो वापस से मुझे तेज भागने की सुपर पावर्स मिल जाएंगी। ओके तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान से जंप लगाना पड़ेगा, और हम लोग वोल्केनो के अंदर गिर चुके। वेट ये क्या था, हम लोगों ने स्केप कर लिया क्या, मैं वापस से उसी जगह पे आ चुका हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था। नहीं ये वो जगह नहीं है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और अभी शायद मुझे यहाँ पर इस जोकर के फेस के अंदर जाना है, जो कि बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। जल्दी से चलते अंदर की तरफ, और सच में ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। और ये मैं किस रूम में आ चुका हूँ, शायद ये सब लेजर स्लाइट है, और मुझे एक एक करके ध्यान से जंप करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा बैंड बजा सकती है। ओके ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं काफी ज्यादा आसानी से इसे पार कर रहा हूँ। अभी वापस से मैं एक और अनजान जगह पर आ चुका हूँ, और किसी ने यहाँ पे इतने सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे हैं हमें फंसाने के लिए, कौन है वो जो हमें फंसाना चाहता है यहाँ पर, और मुझे सही टाइम पे जंप करना पड़ेगा नहीं तो मैं इन ट्रैप्स में फंस जाऊंगा। ओके मैंने कर दिया है, बट मुझे यहाँ पर भी केयरफुल रहना पड़ेगा। एक और गेट आया जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से चलते इस गेट के उस तरफ,
और ये भी बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। अभी जंप करते हैं सामने की तरफ और मुझे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जिनके ऊपर मैं चल रहा हूँ वो गायब हो जा रहे हैं। तो अभी कैसे भी मैंने यहाँ तक पार कर लिया है और अभी से भी मैंने स्केप कर लिया, बट यहाँ पर एक और गेट है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क का निशान है। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा है और ये लैंड शायद हमें पीछे की तरफ फेंक रही है, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमने एक भी गलत जंप लगाई तो हमारा बैंड बच सकता है अच्छे से। और हमें जो ध्यान देना पड़ेगा, ये वॉल्स जब ऊपर जाएंगी तो सही टाइम पे मुझे जंप लगाना है। ओके, मैंने पार कर दिया पहली बार में ही और यहाँ पर एक और गेट है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लॉल। अभी यहाँ पर मैं कुछ नई जगह पर आया हूँ और ये क्या है, यहाँ पर एक ट्रेन है और अभी मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। ये शायद हमें कहीं और पर लेकर जा रही है और ये कहाँ जा रही है मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है और ये रहा हॉरर कार्निवल। भाई कभी भी इसके अंदर मत आना। और ये स्टार्ट हो चुका है और मुझे सच में रोलर कोस्टर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों एकदम हॉरर वाली बाइक्स आ रही हैं। ओके, तो ये कहाँ पर जा रही है मुझे बिल्कुल भी आगे नहीं। ओके, आगे ट्रैक ही नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? ओ वेट, मैं वहां से नीचे गिरा हूँ और मेरे दोनों घुटने टूट गए, अभी मैं अपाहिज हो चुका हूँ। ओ वेट, शायद मैं घुटनों पर बैठा हुआ था, मैं फालतू में डर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों घुटने टूट चुके हैं। अभी शायद हमें इसके अंदर एंटर करना है। आई होप मैंने गेम पार कर लियो। ओके, तो ये वाली गेम हमने काफी ज्यादा इजीली पार कर लिया। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं जल्दी और नई वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।